तो भैया आप सभी को पहले दिल से राम राम। मैं मुकेश चंद्र गोंड नोएडा भारत से, और आज आपके सामने लेके आए हुए गाड़ी फोर्ड वीगो 2012 मॉडल डीजल वर्जन है इसमें। और प्रॉब्लम सुन लो, इसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम है इसमें प्रॉब्लम सुन लो। पिकअप, माइलेज, ऑयल कंज्यूमिंग और एवरेज तो बहुत ज़्यादा कम है, यानी कि माइलेज बहुत ज़्यादा कम, पिकअप बहुत ज़्यादा कम है, ऑयल कम कर रही है। मान लो कि 2000 किलोमीटर पे पूरा ऑयल ख़त्म कर रही है, इतना दबा का ऑयल, पता नहीं कहाँ जा रहा ऑयल। और इंजन का नॉइज अभी आपको सुनवा देता हूँ, और इसमें कूलेंट जो है ना ये भी कम कर रही है, लीकेज भी है, लीकेज से परेशान है। काफ़ी पैसे इस गाड़ी पे लगा दिए हैं, मेरे पास लेके आए, राजस्थान से गाड़ी खींच के आई है, एक महीना 10 दिन बाद नंबर आ रहा पूरे। तो अब इसका शुरू कर रहे देखना, और इसमें इंजन का ही प्रॉब्लम है, इंजन ओवरऑल करने वाला हूँ, तो पहले फॉल्ट देखते हैं क्या क्या चीज़ है। तो आइए पास में आ जाइए। चाबी भी इसकी फंसी रही है, ये स्विच ऑन कर लिया मैंने। साउंड यहाँ से सुन नहीं सकते कितना बुरा साउंड है, 93,000 किलोमीटर चल चुकी है, मिसिंग कितनी कर रही है ज़बरदस्त। आ जाओ इंजन के पास ही चलते हैं, पहले शीशे डाउन कर लें। 2012 मॉडल है ये, गाड़ी मिसिंग कर रही है ज़्यादा, ठीक है। अभी कैमरा स्टेबल है इसलिए पता नहीं पड़ रही है। रेस दो जरा, रेस दो, आरपीएम दो, रेस दो। बस 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 बस। तो आप देख सकते हैं धुआं किस कदर छोड़ रही है, ऐसे नॉर्मल आइडल पे भी छोड़ रही है। थोड़ा सा एक बार और रेस दो, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कोई भी। वाह 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 वाह, अभी तो हाफ ही एक्सीलेटर दिए। तो ये कहानी है, और आप समझ सकते हैं कि ऑयल कितना कंज्यूम कर रही है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तभी इसको इंजन बखेड़ने वाले हैं पूरा। गाड़ी बंद कर दो जरा, रुक जाओ, अभी गाड़ी मत बंद करो। बल लगाओ, गैसकेट लगाओ, लगाओ लगाओ लगाओ। तो ये कहानी है, देख सकते हैं कैसे बाहर कर रही है ऑयल। और इस ऑयल को मैं साफ करूंगा, ऐसी बात नहीं है, इसे पहले साफ करूंगा, ठीक है। तो चलो, तो आप देख सकते हैं पूरा ये कहानी है, ख़राब हो रही है, जो सबसे फॉल्ट ये है। तभी इसको मैं साफ़ करा रहा हूँ, और कोई भी चीज़ है ऑयल गिरती है ज़मीन पे तो मैं उसे साफ़ करा देता हूँ। और आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा मार रही है, तो अब खोल ही नहीं सकते इसको, बहुत ज़्यादा गड़बड़ कर रही है। तो बंद करो भाई, बंद करो, चलो इंजन उतार दो, एक बार और स्टार्ट करना ज़रा। बंद करो, चलो बखेर दो इसे पूरा, खोलो जरा। तो ये पाइप पूरी तरीके से कट रहा है, और एसी का ये पाइप है, अभी खोल रहे हैं तो देख रहे हैं ये पुल्ली में लग रही थी एसी के। अभी यहाँ से शुरू है खोलना, एक एक चीज़ खोली जा रही है, इधर से कोई व्हील खोल रहा है, ठीक है। पूरा बखेर लिए हैं, देख सकते हैं आप। अब जैक लगा के हमें इसे नीचे निकालना पड़ रहा है, और ये पूरा माउंटिंग निकाल रहे हैं, ठीक है। वायरिंग सायरिंग सब हटा दी इधर की, और इधर से सारा है कुछ, अब जो भी होगा खुलेगा, ये नीचे बखेरा जाएगा इसे। फाइनली हमने इंजन को उतार दिए हैं बाहर, ये देख सकते हैं गाड़ी, ठीक है। देख सकते हैं पूरा इंजन बाहर निकल गया, कुछ कुछ नट, ये ईंट लगा लो भाई, ईंट लगाओ, ईंट लगाओ भाई, यहाँ लगा लो साबत, गियर को अलग कर दो पहले। अभी देख सकते हो ऑयल निकाला है मैंने, और ये 1.5 लीटर के करीब में ऑयल है, क्योंकि वो तसला छोटा तसला होता है, बड़ा तसला तो इधर रखा हुआ है, पर वो छोटा तसला है तो उसमें 1.5 लीटर के समथिंग ऑयल निकला है, यानी ऑयल की मात्रा कम है इसमें।
हाँ देख सकते हैं बोंडो से की इंजन हुआ पड़ा है इसका, आप समझ सकते हैं कि काफी इसमें मशक्कत करी गई है, लीकेज पीकेज जाने क्या क्या हुआ है। तो इंजन के काफी बोंडो से पता पड़ रही है कि किसी ने खूब करे हैं कई बार। तो कोई निकालो जरा, निकाल के यहाँ ले आओ। अरे हाय ले आओ ले आओ ले आओ, इधर उल्टा करके यहाँ रखो, उल्टा करो इसे, इधर ले आओ। देख एक नंबर में ही फॉल्ट है इसके, ये देखें एक नंबर सिलेंडर बिल्कुल काम ना कर रहा है बिल्कुल, और ऑयलिंग आ रहा है कितना मार रहा है ऑयल, और थोड़ा थोड़ा करके तो ऑयल सारे सिलेंडरों से मार रहा है। तो आप समझ सकते हैं इसमें गड़बड़ है कुछ। अभी हेड को डायग्नोस करूँगा मैं, गलावपन क्या है, चलेगा नहीं चलेगा इसकी, और पिस्टन की क्या कंडीशन है। एक नंबर में ही प्रॉब्लम है बस पिस्टनों में, एक नंबर में ही प्रॉब्लम है और बहुत ज़्यादा करके ऑयल उठा रहा है। टॉप पे करो भाई इसको, इसको निकालो गैस्केट को आराम से। चलो गैस्केट दिखा दो एक बार। शाबाश, गैस्केट भी तो अब गैस्केटों का यहाँ से देख सकते हैं आप, देख रहे हैं ना तीनों कंप्रेशर, इधर का कंप्रेशर इधर, इधर का कंप्रेशर इधर, फिर इधर का इधर, इधर का इधर। तो ये गैस्केटों का भी पंगा है इसमें, हेड डाउन है और ये देख सकते हैं यहाँ। तो पिकअप इसलिए नहीं आ रहा है, माइलेज इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि यहाँ, और इसी वजह से कंप्रेशर वीक हो रहा है इसमें, कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। ठीक है ठीक है, इधर से ठीक है, बाकी ब्लॉक के तरफ से ये ब्लैक पड़ा हुआ है, ये ब्लॉक में ही ये ब्लॉक की ठीक गड़बड़ है। पिस्टन को ऊपर करो जरा, इधर एक पॉइंट दो पॉइंट, ये दो पॉइंट तो ठीक है बस हेड गए, बाकी एक पॉइंट ये डाउन है जिसकी वजह से कंप्रेशर इधर का उधर हो रहा। ये मुझे हेड मुश्किल ही चल पावे, ये गला ओपन आ गया, ये गल गया यहाँ से। ठीक है अभी देखना पड़ेगा, ये पूरा सड़ गया है, ये तो मामला केड़ा हो जाएगा। ये रहा, ये गल के अंदर घुस रहा है, ये वाला अंदर घुस रहा है, दो पॉइंट है देख सकते हैं, बाकी ये सब दूर दूर है ये, पर ये अंदर घुस गया, इस लाइनों के बीच में आ गई ना, ये नहीं चलेंगे, हेड को चेंज करना पड़ेगा या ऐसे ही रिपेयर करना पड़ेगा, दो ही काम है। ठीक है बाकी और अभी बारीकी से टेस्ट करेंगे यार। हाँ एक ये है, एक ये पॉइंट है, दो पॉइंट गड़बड़ हो रहे हैं। चलो पिस्टन देखो, प्ले चेक करो, ज्यादा है, चलो इसमें इसमें चेक करो, इसमें भी ज्यादा है, घुमाओ। चलो हाँ ये भी ज्यादा, इसमें करो, ज़्यादा है, ये नहीं चलेंगे, कुछ गड़बड़ है, या तो स्लिप डाउन है या पिस्टन ख़राब है, या फिर पिस्टन सही होंगे तो स्लिप ही डाउन है। ठीक है अब बाहर निकालो इसे सारे को, और लाइनें लुइनें ठीक कर, टॉप चेक करो कौन सा पिस्टन का कनेक्टिंग रोड बैंड है। तेरी उंगली पकड़ के चला, ये ऊपर करो, एक नंबर पिस्टन ऊपर करके टॉप चेक करो, कोई कनेक्टिंग रोड बैंड तो ना, क्या कहानी है। ठीक है अभी ऐसे तो पता नहीं पड़ रही है कि बैंड है कि क्या है, अभी तो टॉप पे बराबर आ रहे हैं, पर इसको निकालना पड़ेगा। अभी रिंग लगा हुआ है इसके अंदर, रिंग निकाला नहीं है, देख सकते हैं आप, चैम्बर भी खुला नहीं है, आप समझ सकते हैं रिंग निकालने वाने का अभी चक्कर नहीं। अब रिंग लगा हुआ है तब इतना आवाज़ कर रहा है, सोचो रिंग निकाल दिया कितना आवाज़ करेगा। बखेरो भाई इसे, बखेरो बखेरो जल्दी बखेरो,
देख सकते हैं जितना गंदा इंजन दिख रहा है ना इतना रहेगा नहीं, जब बांधूंगा जब देखना बिल्कुल चमाचम, बिल्कुल मजा ना आए तो फिर बेकार है काम करना यार। ठीक है तो देख सकते हैं आप, चार नंबर पिस्टन है ये देख सकते हैं, टॉप रिंग की कहानी देखो, ये इतना खराब कटा हुआ है, ये भी कटा हुआ है, ये भी कटा हुआ है, पर ये लिमिट से ज्यादा कटा हुआ है, आप देख सकते हैं। गैप नीचे कर दिया फिर भी रिंगों का गैप देख ले कितना ज्यादा है, तो ये पिस्टन मुझे लग रहा बिल्कुल ही डेड है, बिल्कुल नीचे बराबर कर दिया। तो ये कहानी थी, सिर्फ इसका रीजन था कि इतना ज़्यादा ऑयल कंज्यूम कर रही थी ये, और ये एक नंबर का ही है, एक नंबर का जो दिखाया था ना मैंने फॉल्ट, वो एक नंबर का है और ऑलरेडी किसी मिस्त्री ने इस पर नंबर वाइज कर रखा है, तो ये हो चुका है एक बार का इंजन पर सक्सेस नहीं हुआ। पर ऐसे काम में सक्सेस नहीं होगा क्योंकि इसमें डलेंगे काफ़ी आइटम, देख सकते हैं पिस्टन की कंडीशन क्या है, कितनी बुरी है, यहाँ से रिंगों का कंडीशन देखो, तो आप समझ सकते हैं कितनी गैप है दोनों बीच में, कैसे ये देखो इतनी होती नहीं है, ऐसे बिल्कुल फिक्स रहता है जैसे ये है, दोनों रिंग फिक्स हैं, पर ऊपर वाला रिंग देख सकते हैं कितना गैप है, इधर देख रहे हैं ना है। तो ये कहानी है, पिस्टन डेड है, पिस्टन चेंज होंगे इसके, ठीक है, और इन्होंने मुझे लग रहा है सारे ही नंबरिंग कर रखा है, रिंग विंग सारे डाले हैं, ये रिंग निकाल के देखता हूँ कौन सा डला हुआ है पहले, क्यों सक्सेस नहीं हुआ ये मैं भी चेक करूँगा, पर इसमें क्या कह सकते हैं, रिंग भी बहुत बुरी कट रही है भाई, एक तो होता है कि कटना, लेकिन ये तो लिमिट से ज़्यादा कटा हुआ है। अभी रिंग भी निकालता हूँ देखता हूँ क्या कहानी है, उठाओ कोई भी एक पार्ट लो और बढ़िया करके सफाई करो इसकी, बेहतरीन रबड़ रिंग विंग सारे निकालो, एक पार्ट लो कोई भी, हटो ये सारे पाइपलाइन है, एल्बो है, कोई भी एक ले लो इसे सफाई करो, और ये सारी कंडीशन देख ही रहे हैं कितना बुरा है, ये साफ़ करने वाले हैं, एक लड़का साफ कर रहा है, आप समझ सकते हैं कितना बुरा कंडीशन है, इधर क्रैंक है, इधर ये है, ये सफाई हो रही है इसकी, ये क्लच है, क्लच भी डाउन है इसका, और ये क्रैंक में कुछ गड़बड़ है यार, मैं कौन सा पीस देखा था उसमें पीस उखड़ा हुआ था, इसी में आ जाओ चेक करते हैं पहले, यार ज़्यादा दूर ना जाना, ये देखो देख रहे हैं ना, ये उखड़ा हुआ है पूरा, एक सेकेंड जरा, ये देख रहे हैं ना पूरा उखड़ा हुआ है, इसकी वजह से ये क्रैंक बिगन भी पूरे चेंज करने पड़ेंगे, बाकियों के ठीक है, बाकी का कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल फ्रेश है बाकी के, कोई दिक्कत नहीं है बाकी में, खाली एक नंबर में ही पूरा उखड़ा हुआ है, और ये देखो देख रहे हैं ना कितना, ये पूरा बेकार हो गया बिगन। तो अभी आपने देखा पिस्टन रिंग इतना ज़्यादा ख़त्म था उसका कि मेरे को अब चेंज करना पड़ेगा सारा पिस्टन रिंग, चूंकि बहुत ज़्यादा कट गया था, पिस्टन भी कट गया था, स्लिप भी कटा हुआ था, हेड के वाल गाइड, वाल सील, सीट, हेड गैस्केट भी कटा हुआ था उसका, इसलिए बैक ज़्यादा दिखा रहा था, ऑयल जो गैस से फेंक रही थी भग 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 भग, वही कारण था, ऑयल कंज्यूमिंग का कारण पिस्टन रिंग था, जितना प्ले देख रहे थे उतना प्ले चूंकि होता नहीं है, बिल्कुल सेट रहता मामला, थोड़ा सा भी प्ले नहीं रहता उसके अंदर, इतना फिट रहता है, तभी बहुत ज़्यादा प्ले था, पिस्टन रिंग कटा हुआ था बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा मैंने आज तक नहीं देखा कटा हुआ, ए लिमिट से ज़्यादा कटा हुआ था। तो इसका अब इंजन ओवरऑल करेंगे, तो इस वीडियो में सिर्फ फॉल्ट हमने जाने थे, अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो इंजन ओवरऑल का आएगा, और आज के राइट सातवें दिन बाद संडे को शाम को 6 बजे करीब में वीडियो अपलोड हो जाएगा, तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन तभी जाएगा इसका ओवरऑल का, और भाई ऐसा कंचा पीस बना दूंगा, जितना इंजन गंदा दिख रहा है ना इतना चूंकि रहेगा नहीं, जानते हैं इंजन कितना ज़बरदस्त बनाता हूँ, तो बने रहिए वीडियो में, और तब तक के लिए ओके थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ओके थैंक यू।